गुड मॉर्निंग एवरीवन मु विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची ओडिशा चॉइस को। आज हूँ जुलाई मास 3 तारीख बुधवार। चलतु सकाळ खबर उपर नजर पकेबा। नजर पकेबा पूर्वर समस्तिं को सबदिन परे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा सहित समस्ते वीडियो को लाइक आउ चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसतिबा ऑल बेल आइकन दबाया पई भूलिबे नाही। यह सहित आपण मानकर केउं जिल्ला निश्चय भाबे कमेंट करिबे। चलंतु खबर उपर नजर पकेबा, लेट्स स्टार्ट। होचे रथ यात्रा पई 2 दिन छुट्टी घोषणा करले मुख्यमंत्री। तेबे रथ यात्रा पई 2 दिन छुट्टी घोषणा करले मुख्यमंत्री। रथ यात्रा 2 दिन पर्यंत चलिबाकु थिबारो छुट्टी घोषणा होइचे। पुरी रे समीक्षा बैठक रे घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेबे छुट्टी ने विधिवत भावे विज्ञप्ति प्रकाश करने को अधिकारी को निर्देश दिया जाइथिबा सूचना आसी अछि। परवर्ती अपडेट होचे कटकर समस्त बेआईनी हॉस्पिटल बंद पई निर्देश। कटक रे बिना रजिस्ट्रेशन रे चलिथिबा एक निर्दिष्ट हॉस्पिटल समेत अन्य केतेक हॉस्पिटल को तुरंत बंद करबा को जातीय मानविक अधिकार कमिशन राज्य स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देछन्ते। तबे निर्दिष्ट हॉस्पिटल को बंद करबा पई पूर्वरो निर्देश रहिथिले सुद्धा स्वास्थ्य विभाग केवल चिट्ठी लेखे तेबे बसी पड़ीथिबारो कमिश्नर तेबे भेक्य प्रकाश करिछन्ती एवं बंद पई निर्देश देइछन्ती। परवर्ती अपडेट होचे बोले बोले ढाबा रे पड़िला ताला। वीडियो को निर्देश रे सील कले अधिकारी। जाजपुर धर्मशाला बोले बोले ढाबा को नहीं धमुनी चर्चा। तेबे ढाबा रे खाली ताला पड़ी अछि। बिना कागज पत्र रे एही ढाबा बेआईनी भावे चालुथिबा अभिजोग उठिबा परे एने खोलताड़ आरंभ होइथिला। फल रे याकु सील करबा को वीडियो नोटिस करिथिले परे परे होटल रे ताला पड़ी अछि। परवर्ती अपडेट होचे खोलिबो पूर्व सरकार रे बंद होइ जाइथिबा स्कूल। गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडंक सूचना। बीजेडी सरकार बंद कर देइथिबा स्कूल गुड़िक खोलिबा को बीजेपी सरकार योजना। जेउंठी पिलामानंकु दूर स्थान को जिबाकु पड़ुछे सही स्थान रे भूल रिपोर्ट जरिया रे स्कूल बंद कर दिया जाइछे। तबे स्थानीय लोकंकर दाबी अणदेखा करा जाइछे। सही सब स्कूल गुड़िक को लोकंक आवश्यकता को दृष्टि रे रखे बीजेपी सरकार पुणी थरे स्कूल को खोलिबा पई योजना करिछे। तबे गणशिक्षा विभाग पक्षर सचिव को निर्देश देइछे। तबे रिपोर्ट प्रस्तुत करंतु लोकंक एवं दाबी अनुसार केउठी बंद होइथिबा स्कूल रो खोलिबा आवश्यक अछि। सचिव विस्तृत रिपोर्ट देबा पारे सही रिपोर्ट आधार रे बीजेडी सरकार रे बंद कर दिया जाइथिबा स्कूल गुड़िक कामे खोलिबु बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिछन्ते। परवर्ती अपडेट होचे यूपी हाथरस रे बड़ दुर्घटना। भोले बाबा सत्संग रे 27 जणंकर मृत्यु होइछे, अनेक आहत होइछन्ते। आसला बड़ खबर उत्तर प्रदेश रो हाथरस सिकंदराबाद रे एक सत्संग रे प्रबल हटगोल होइछे। परिस्थिति उपजि अछि। सत्संग समय रे 50 जणंकर मृत्यु होइछे। तेबे भोले बाबांक सत्संग रे दलाचकटा हेतु एही दुर्घटना घटेछे। मृतकंक मध्यरे मोट 19 महिला एवं शामिल रहिछन्ते। एहा तेबे एहा सीएमओ उपस कुमार त्रिपाठी 27 मृतदेह को निश्चिंत करिछन्ते। बाकी अनेक लोक एपरि होइथिबा सूचना रहुअछे। परवर्ती अपडेट होचे सेप्टेम्बर पर्यंत हेब भल वर्षा। आईएमडी देला सूचना। पाणीपाग विभाग भारतीय कृषकंक पई एक भल खबर देइछे। एहा अनुसारे आगामी 3 मास रे जोरदार वर्षा हेबाकु जाउछे। तेबे जुलाई सहित अगस्ट और सेप्टेम्बर रे भल वर्षा हेबार अनुमान रहिछे। तेबे भारतीय पाणीपाग विभाग तेबे विज्ञान विभाग अनुसार जुलाई रो हाराहारी वर्षा स्वाभाविक ठारो अधिक वर्षा हेबार संभावना रहिछे। तेबे जून ठारो जुलाई रे भल वर्षा हेबो। एही मास रे उल्लेखनीय जे पाणीपाग विभाग रो ताजा रिपोर्ट आसी अछि एथिरे कुहा जाइछे जे तेबे जून मास रे कम वर्षा होइछे। आईएमडी कहिछन्ते
तेबे पूर्वतन भारत में जून मस 33% कम वर्षा होती जहाँ एवं जुलाई मसरे भल वर्षा हो सूचना आसी अच्छे। परवर्ती अपडेट हूँ बिना परीक्षा अंगनवाड़ी चाकरी आवेदन आरंभ है महिला आसी एक निजुक्ति सुजोग एवं अंगनवाड़ी निजुक्ति आवेदन आरंभ हो मौलिक शिक्षा आधार रे एहि निजुक्ति प्रदान करा जाउचे। एहि निजुक्ति पई भल रोजगार करी परिबे महिला आश्रयी एठारे निज योग्यता बलरे महिला माने चाकरी पाई परिबे। एथि पई महिला अंगनवाड़ी कर्मी को निकटस्थ अंगनवाड़ी केन्द्र को जाई खाली थिबा पदवी विषय रे जानिबाकु हेबो। वर्तमान तेबे 23,753 पोस्ट पई आवेदन करिबा पई आह्वान दिया जायचे। अंगनवाड़ी रे अनेक पोस्ट रे खाली रहिचे पदवी पाठ्यक्रम रे रहिथिबा मार्क अनुजाई एही पोस्ट रे चाकरी प्रदान करा जेबो। आवेदन एबे आरंभ होइचे आपण के एरिया हिसाब रे आपण चेक करी आवेदन करंतु। परवर्ती अपडेट होइचे राशन कार्ड रे आसला एक बड़ अपडेट। राशन कार्ड अपेक्षा रे लक्ष लक्ष परिवार केबे फिटिब योग्य हिताधिकारींकर भाग्य। राशन कार्ड खंडिए पाइबारे अपेक्षा चलीजे किए मस मस धरी अपेक्षा कर रही तो आउ किए आवेदन पत्र दाखल करार बर्षे पूरला हिताधिकारी राशन कार्ड टे पारिना जदि आपण राशन कार्ड पाईना एवं खूब शीघ्र मिलवा आपण को राशन कार्ड जानतु। एक बड़ अपडेट आसला सरकारी राशन तेरे गंडर स्वप्न हो रही लक्ष लक्ष पर तेबे योग्य आवेदनकारी खाद्य सुरक्षा योजना रे सामिल हेबा मास मास बा वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करी रही छंते। अन्य पटे नकली हिताधिकारी टन टन खाद्य सामग्री उठाई चली छंते वर्ष वर्ष धरी तेबे नकली होंते बा आवेदन करूथिबा योग्य लोक संयुक्त होई पारु नहंते तेबे आवेदनकारी उनको उपरो अनि रही छंते एबे फिटिबो भाग्य। नुआ सरकार आसीबा परे अपेक्षा रे अंत घटिब एवं खूब शीघ्र योग्य लोक राशन कार्ड मिलिब बोली सरकार एक बड़ अपडेट देइछंती। यह सहित जो माने अयोग्य लोक सेमानकर राशन कार्ड कटिब बोली चर्चा होउछ। परवर्ती अपडेट होचे 3000 टंका हेब वार्धक्य भत्ता सूचना देले नित्यानंद गंड। बढ़िबो भत्ता टंका ओडिसा रे भत्ता टंका हेब 3000 टंका को वृद्धि करा जिवो एने घोषणा करिसंति सामाजिक सुरक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। तेबे जेउ वर्गर भत्ता बढ़ा जिवो सेने कोनोसे निर्दिष्ट सूचना मिली नाही। तेबे वार्धक्य भत्ता विधवा भत्ता दिव्यांग भत्ता को गुरुत्व दिया जिवो बोले सूचना देइछंति मंत्री। तेबे विभिन्न वर्गर भत्ता बढ़िबा को सरकार चिंता करिसंति। तेबे विभिन्न विभाग अधिकारी सहित एने सहित आलोचना जारी रहिछे। आलोचना परे केउं वर्गर भत्ता को वृद्धि करा जिवो सेने स्पष्ट करा जिवो बोले कहिछंति मंत्री नित्यानंद गंड। तेबे इठी सूचना रहुछे कि 3500 अधिक 500 टंका केउ मानको मिलिबो से विषय रे आलोचना होचे। एणी कि समस्तिंको मिलिबो 3000 टंका भत्ता किंतु 80 उपरको जे मानकर वयस से मानको अधिक 500 टंका मिलिबो माने 3500 टंका हेबो। तेबे निर्वाचन पूर्वर बीजेपी भत्ता वृद्धि करने को जो नोटिफिकेशन देथला से सब एवं पूरण करने जा सूचना आसुअ आसंता। तेबे किछि दिन मध्यरे भत्ता बढ़िकी आसिबो बोली सूचना रहुछि पाखापाखी 3-4 मास भितर बढ़िकी आसिबो। परवर्ती अपडेट होचे मोदी को चिट्ठी लिखिले राहुल गांधी नीट परीक्षा प्रसंग रे आज सांसद रे चर्चा करिबा पई दाबी। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखिले विरोधी दल नेता राहुल गांधी सांसद रे नीट परीक्षा पेपर लीक मामला रे चर्चा पई से एही चिट्ठी रे समय मागिछंती। तेबे राहुल गांधी कहिछंती जे आमर उद्देश्य होचे 24 लाख नीट परीक्षार्थी हित पई कथा कहिबा जेउ माने के जवाब रो हकदार बोली एपरि चिट्ठी लिखिछंती मोदी को। परवर्ती अपडेट होचे पंजाब नेशनल बैंक रे पूर्ण हेब 2500 रो अधिक पदवी। जानतु केउ माने नेबे सुजोग बैंक रे चाकरी करबा को इच्छा और जरूरी योग्यता थिबा युवकों पई सुवर्ण सुजोग।
तबे पंजाब नेशनल बैंक एही सुजोग नै आसीचे एने पीएनबी मध्य विज्ञप्ति मध्य प्रकाश करीचे एही नियुक्ति माध्यम रे अनके पदपी पूर्ण हेबो आपण जदि एही बैंक रे चाकरी करबा पय चाहंती तबे आपण भलो भाबे जानिबा जरूरी एही नियुक्ति माध्यम रे अपांटिसी पदपी पूर्ण करा जेबो एने ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करबा पय पड़िबो एथिरे उभय महिला और पुरुष आवेदन करि पारिबे एथि पय वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट को जाई संपूर्ण भाबे तथ्य जानि आवेदन करंतु। परवर्ती अपडेट होचे आज ठारो बढ़िला जियो एवं एयरटेल रिचार्ज रो प्लान ने जियो रो 22% रिचार्ज प्लान पर बढ़िथिबा बेले सेहिपरि एयरटेल निर्दिष्ट प्लान पर 11-23% रिचार्ज प्लान बढ़ी अच्छे जहाँ आज ठारो कार्यकारी होइछे जो माने रिचार्ज करिनथिले से माने रिचार्ज करी परिबे नै से मानको आज ठारो अधिक जियो सिम उपर पाखा पाखी 50 टंका रु नै 600 टंका पर्यंत रिचार्ज प्लान बढ़िथिबा बेले से उपर एयरटेल रे मध्य 20 टंका रु नै 600 टंका पर्यंत वृद्धि पाइथिबा सूचना आसी अछि। परवर्ती अपडेट होचे युक्त दुई प्रथम वर्ष नामलेखा पई आवेदन अवधि को आसंता 12 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जायछे तेबे पूर्वरो आवेदनर शेष तारीख जुलाई 6 तारीख थिबा बेले एहाकु बढ़ाइबा पई उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पक्षरो सूचना दिया जायछे तेबे प्रथम पर्याय मेधा तालिका 20 तारीख रे प्रकाश पाइब जॉइन होइथिबा छात्र छात्री माने 22 रु 27 तारीख मध्य रे नाम लेखै पारिबे। परवर्ती अपडेट होचे जियो यूजर्स ध्यान दियंतु आज ठारु आउ मिलिबने अनलिमिटेड 5G डाटा रिचार्ज प्लान रे होइचे बड़ परिवर्तन। टेलीकॉम मार्केट रे आज ठारो जुलाई 3 तारीख ठारो महंगा होइचे रिचार्ज रो प्लान। सर्वबृहत यूजर्स एबे समस्ते यूज करछंती जियो सिम तेबे जियो एवं एयरटेल मध्य निजरो प्लान आज ठारो वृद्धि करछंती तेबे जियो रो जो रहिचे 5G प्लान कुने एक बड़ घोषणा यूजर्स को एक बड़ झटका लागिचे तेबे रिलायंस जियो घोषणा करिछे जे वर्तमान लक्ष लक्ष यूजर्स पूर्व अपेक्षा सस्ता प्लान रिचार्ज करिबा द्वारा अनलिमिटेड 5G डाटा मिल पारुथिला एबे आज ठारो मिल पारिबो नाही। बस एथला इन्फॉर्मेशन वीडियो टी शेष पर्यंत देखिथुवार बहुत बहुत धन्यवाद।